नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो बच्चे 18 साल से नीचे हैं उनके लिए दो अकाउंट्स शुरू करे हैं। एक है पहली उड़ान, दूसरा है पहला कदम। तो हम इसी दो अकाउंटों के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर यदि आपका बच्चा 18 साल से कम है तो आप ये अकाउंट किस तरीके से खुलवा सकते हैं और क्या-क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप ये अकाउंट खुलवाएंगे तो आपकी एक दबी सी शुरुआत हो जाएगी बैंकिंग की तरफ। आपके बच्चे को भी शायद थोड़ा बैंकिंग के बारे में पता चल जाए और आप जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट वाली योजना है उनमें आप पैसा लगा सकते हैं अपने बच्चे के नाम। जैसे पहला ही PPF अकाउंट आप अपने बच्चे का खुलवा सकते हैं। अगर आपकी बच्ची है तो आप सुकन्या योजना का अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। होता क्या है कि जब आप अभी से बच्चे का अकाउंट खोल देंगे और नए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भविष्य में अगर आपको उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है तो आपके पास कम से कम एक कुछ पैसा उनके अकाउंटों में होगा जो शायद आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि आजकल एजुकेशन काफ़ी महंगी हो गई है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं पहला कदम, कि पहला कदम अकाउंट क्या है SBI का और ये किन बच्चों के लिए खोला जाता है। जो भी 18 साल से कम है वो सब बच्चे पहला कदम अकाउंट खोल सकते हैं। ये अकाउंट जॉइंट में खोला जाता है, मतलब जो अगर यदि ये अकाउंट माता पिता के साथ उसका जॉइंट होता है तो इसका यह मतलब हो गया कि माता पिता इस अकाउंट को एक्सेस करते हैं। ये जीरो बैलेंस का अकाउंट है, आपको इसके अंदर कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैक्सिमम बैलेंस इस अकाउंट में 10 लाख रह सकता है एक टाइम में, मतलब आप इसमें 10 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। इसके अंदर एक पर्सनलाइज डेबिट कार्ड इश्यू होता है और चेकबुक इश्यू होती है। चेकबुक अंडर गार्जियंस के नाम से इश्यू होती है, इस पर साइन इनके माता पिता के ही होते हैं। इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी आपको इसमें मिलती है, बाकायदा आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 5,000 की लिमिट रहती है, डेबिट कार्ड की लिमिट 2,000 रहती है। इसके लिए आपको बेसिकली आपका बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, आजकल आधार कार्ड किसी का भी बन जाता है, और एक बर्थ सर्टिफिकेट। अब हम बात कर लेते हैं पहली उड़ान की, कि दोनों, वैसे दोनों अकाउंट माइनर के लिए होता है, बस थोड़ा बहुत फर्क है, आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली उड़ान जो अकाउंट है वो 10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए खोला जाता है, यानी कि 10 से 18 साल के बच्चों के लिए यह अकाउंट खोला जाता है। इसके अंदर बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि बच्चा अगर साइन खुद कर सकता है यूनिफॉर्मली तो उसका अकाउंट खोल दिया जाता है और इसको वो ही एक्सेस करता है। ये जीरो बैलेंस का अकाउंट होता है, इसके अंदर किसी तरह का अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मैक्सिमम बैलेंस 10 लाख का रह सकता है, जैसा कि पहले कदम में था। पहली उड़ान के अकाउंट में भी आप 10,000 एक टाइम में मैक्सिमम बैलेंस रख सकते हैं। इसके अंदर पर्सनलाइज डेबिट कार्ड इश्यू होता है जिसके अंदर बच्चे का फोटो होता है और डेबिट कार्ड की लिमिट 2,000 पर डे रहती है। चेकबुक इश्यू होती है, चेकबुक वो खुद चेक विड्रॉ कर सकता है, वो खुद उसके साइन चलते हैं बच्चे के, क्योंकि यह अकाउंट जॉइंटली नहीं खुलता, यह बच्चा खुद ही इसको एक्सेस करता है। इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा इसमें मिलती है, यानी कि बच्चा अपने हिसाब से इंटरनेट बैंकिंग चालू कर सकता है। उसमें 5,000 की लिमिट रहती है पर डे ट्रांजेक्शन्स की। इसके अंदर भी आपको आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट या किसी एक डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि अगर यदि आपका बच्चा 18 साल से कम है तो आप उसका अकाउंट बैंक में जाके ज़रूर खुलवाएंगे और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं का लाभ लेंगे, ताकि भविष्य में जब भी आपका बच्चा पढ़ाई करने जाए इंजीनियर या डॉक्टर के पन के लिए तो आपके पास एक लमसम कुछ उसके अकाउंटों में कुछ हो, 5 लाख 10 लाख रुपए, ताकि आपको भी एक सपोर्ट मिले कि बच्चे को पढ़ाने में आपको कम दिक्कतें आए। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करिए और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं बैंकिंग से रिलेटेड आपको हर चीज़ इंफॉर्मेशन देता हूँ और मेरे चैनल में कम से कम 500 400 500 वीडियोज़ हैं जिसमें हर तरह की बैंकिंग प्रॉब्लम्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।